रहमान रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जी गीता। एक और क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। अगर आप 5 ईयर्स के पास्ट पेपर देखें तो उसमें 3 दफ़ा ये क्वेश्चन आया होगा इंजीनियरिंग और मेडिकल को मिला के। क्वेश्चन ये है कि इफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाई 20% द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। डेफिनेटली आप लोगों ने ये क्वेश्चन इतना पढ़ लिया है कि आपको समझ आ गई हो कि भाई इसका आंसर क्या है, 44% है। लेकिन अगर एग्जामिनर अगर नेक्स्ट टाइम इस 20% को डिस्टर्ब करता है तो फिर आप इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्या आंसर होगा इसका? तो फर्स्ट हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे जिस पे 1 या 2 या 3 मिनट्स लगेंगे, और आखिर में एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिससे अगर एग्जामिनर इस वैल्यू को डिस्टर्ब कर भी लेगा तो कम अज़ कम हम किसी किस्म की परेशानी हमें नहीं होगी और हम विद इन सेकेंड उसका आंसर निकाल लेंगे। एक मशहूर इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान, एंड वी नो अबाउट दैट, एंड दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। दिस इक्वेशन नंबर 1। पुरानी काइनेटिक एनर्जी पुराने मोमेंटम के साथ कनेक्ट है। अच्छा, नई काइनेटिक एनर्जी जो कि अभी फाइनल होगी बराबर है पी स्क्वायर बाय 2m। क्लियर, दिस इज पुराना मोमेंटम, दिस इज नया मोमेंटम, और वो आपसे कह रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो 20% इंक्रीज हो गया है। 20% इंक्रीज को हम कहते हैं 0.2, 50% इंक्रीज को हम कहते हैं 0.5, 50% जैसे हम कहते हैं कि हमारी तनख्वाह 10% ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपके पुरानी तनख्वाह में 0.1 की एडिशन हो गया है। 20% का मतलब है आपके पुराने वैल्यू में 0.2 का एडिशन हो गया है। तो जो नया मोमेंटम है, नया मोमेंटम ये बराबर है पुराना मोमेंटम प्लस 20% ऑफ नया पुराना मोमेंटम। ये आपकी पुरानी वैल्यू है और ये 20% उसमें जो इजाफा हुआ है। क्लियर, पी, अच्छा इसको हम जब 100 से डिवाइड करेंगे, क्लियर, लाइक दिस, तो ये आ जाएगा 0.2। क्लियर, 0.2 पी। अच्छा, मैंने आपको समझाने के लिए ये स्टेप किया है, नेक्स्ट टाइम जब 20% आ जाए तो आप समझ जाए 0.2, 30% एडिशन आ जाए समझ जाए 0.3। अच्छा, पी प्लस 0.2 पी से आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1.2 पी। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। याद रखें हम जस्ट कैलकुलेशन एक दफ़ा करेंगे और उसके बाद ट्रिक सीखेंगे, ट्रिक से जैसे क्वेश्चन मिलेगा आंसर उसका विद इन सेकेंड आ जाएगा। क्लियर, ओके, नाउ अब देखते हैं पी डैश बराबर है 1.2 पी। थ्री कोटा के 2 में पुट करें, काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू 1.2 पी का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m। सो 1.2 का स्क्वेयर और पी का स्क्वेयर, सो 1.2 का स्क्वेयर आ जाएगा लाइक दिस और पी स्क्वेयर बाय 2m आ जाएगा, एंड दैट इज द नई काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, ओके, 1.2 जो है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पॉइंट को हटा दें 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वेयर 144, पॉइंट को हटा दें 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वेयर 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.44 पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m काइनेटिक एनर्जी। ये जो चीज़ है जिसको मैं रेड मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। सो काइनेटिक एनर्जी नई बराबर है 1.44 इनटू पुरानी काइनेटिक एनर्जी, लाइक दिस, दिस इक्वेशन नंबर 4। अब वो आपसे नहीं पूछ रहा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि चेंज इंक्रीज कितना आया है, इंक्रीज चेंज कितना आया है। तो चेंज जो है दैट इज इक्वल टू डेल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर, इक्वेशन नंबर 5 को हम ऊपर लिख लेंगे, एंड दैट इज डेल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्चुअली बराबर है 1.44 ke माइनस इनिशियल काइनेटिक जो है वो ke है। आप इसको यहां से माइनस करेंगे तो आपके पास सिंपल आ जाएगा 0.44 ke, दैट इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आंसर जो है वो आपको परसेंटेज में गिवन है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44% आ जाएगा। क्लियर, ये तो तरीका है, ये वो कैलकुलेशन है जब आपको इस किस्म का क्वेश्चन दिया जाएगा आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब वो ट्रिक सीखते हैं कि जिस ट्रिक के बाद हम इसको आसानी से, वो कोई भी वैल्यू देगा हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो नाउ
हम जस्ट देखते हैं कि ट्रिक क्या होगा, क्लियर, क्या ट्रिक हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम इसको सो चेक करें। दिस इज मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। आप लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जो भी आपको दिया गया है, ट्रिक को गौर से सुने, जो भी आपको दिया गया है एंड दैट इज कॉल्ड 20%, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और यहां जो भी होगा, जो भी होगा उसका स्क्वायर उसके साथ ऐड कर देना है। सो 22 जा 40, 40 प्लस 4 यहां से आ जाएगा 44। नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर आपको 10% दे रहा है, तो लुक 10%, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, यहां पे जो भी होगा उसका स्क्वायर उसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 21%। अगर आप एक और क्वेश्चन देखना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड 30%, सर क्या करेंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे जो भी होगा, यहां पे जो भी होगा उसका स्क्वायर उसके साथ ऐड कर देंगे, 32 जा 60, 60 प्लस 9 69% आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बताया जाए, जैसे मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, दैट इज कॉल्ड 50%, 52 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल 2 से प्लस, यहां पे जो भी होगा उसका स्क्वायर उसके साथ ऐड हो जाएगा और यहां पे आंसर आ जाएगा 125%। 52 जा 100, 100 प्लस 5 का स्क्वायर 125। आपके माइंड में क्वेश्चन अभी आ रहा है और आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सर अगर एग्जामिनर 10 और 20 के बीच में दे दे, या 20-30 के बीच में दे दे, या 30-50 के बीच में दे दे, पास पेपर में जितने आए हैं तो वो जीरोस में हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर, तो कॉमन सेंस जो है वो आपका आपको इसका आंसर दे देगा, लुक 15%, 15% का आंसर का क्या होगा 21 और 44 के बीच में होगा, तो 21-44 के बीच में अगर देखा जाए तो 32 समथिंग होगा। ऑप्शन ए बी सी डी आपको क्लियर कर देगा कि कौन सा आंसर आना चाहिए। बहरहाल डोंट वरी, इस किस्म के क्वेश्चन नहीं होंगे जिसमें 25% हो या 35% या 36%, लेकिन अगर आ भी जाए तो ए बी सी डी को देखने के बाद हम आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। सर अगर डिक्रीज आ जाए, इंक्रीज की जगह डिक्रीज आ जाए, तो यहाँ पे प्लस की बजाय क्या आ जाएगा, सिंपल माइनस आ जाएगा। अगर 20% डिक्रीज आ जाए, 20% डिक्रीज, तो 22 जा 40, 40 माइनस 4 36 आ जाएगा। 10% डिक्रीज, 10 इंटू 2 माइनस 1 19 आ जाएगा, यहाँ पे 51 आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा। ट्रिक को मैं समराइज करता हूँ, आपने करना क्या है, जो भी आपको गिवन हो उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो उसके साथ लिखा है आपने उसका स्क्वेयर एड कर देना है। सर अगर तीन फिगर्स आ जाए, जैसे 100 अगर आ जाए, 100%, तो 100 यहाँ पे हम एक एक फिगर ले रहे हैं, 100 में हम दो फिगर लेंगे, 100 में हम 10 का स्क्वायर ऐड करेंगे, क्लियर, ओके। एक सिंपल सा ट्रिक है, आप इसको देख लें, इसको समझ लें, पास पेपर के जितने क्वेश्चंस हैं वो इंतहाई आसानी से हो सकते हैं इस ट्रिक के जरिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।